इस कहानी के अंक में जो जो कलाकार जाएंगे आप लोग उनका पाठ परिचय लीजिए। ये बिहार प्रदेश की कहानी है। बिहार प्रदेश में एक फूलपुर क्षेत्र पड़ता है। फूलपुर क्षेत्र की समय सरकार भंग हो गई है। दोबारा चुनाव हो रहा है। चुनाव मैदान में दो प्रत्याशी लीजिए। पहला प्रत्याशी प्राइमरी का रिटायर मास्टर जो कि टिकट खरीद कर चुनाव मैदान में आ गए हैं। प्राइमरी का रिटायर मास्टर जिनका नाम है मास्टर टीना नाथ। निकलो घरों मकानों से, जंगल रो गई मानो से, अब तक लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जुल्म जोर के टक्कर में अब हम नहीं ललकारा है, चौमुखी क्षेत्र का हो विकास, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा। हाँ भाइयों, देखिए मास्टर दीनानाथ का बेटा जा रहा है, जो इस संगीत का हीरो होगा, जो इस समय इंटर पास कर चुका है, इसका नाम है भोला। अमीरों से गरीबों की, अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, करो सोने के सब टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चले, कोई जाए कथा जंजीर। भोला। हाँ भाइयों, देखिए मास्टर दीनानाथ की बेटी जा रही है, जो कि इसका संगीत में विशेष रोल होगा। ये भी समय इंटर पास कर चुकी है, लेकिन अभी इसकी शादी नहीं हो पाई है, जिसका नाम है सीता। हाँ भाइयों, देखिए ये था मास्टर दीनानाथ का परिवार। लीजिए उसी फूलपुर क्षेत्र में दूसरा नेता रहता है, जो पिछली बार इसी क्षेत्र से विधायक पद पर जीत कर अपनी फितरत से मंत्री भी बन गया था। दूसरा नेता जो इस संगीत का मेन खलनायक होगा, क्रूरता से भरा हुआ, जिसका नाम है नेता त्रिलोकी नाथ। बिच्छू रानी।
क्योंकि ये भी संगीत का साइड फरमायक होगा, लेकिन ये दिमाग का मोटा होता है जिसका नाम है पंचाधार। हमरे नाम सुनिए पंचाधार, ये चोच समझ बढ़ाऊं और इस चोच की साफ हो जाए और लगन जितना करूं चाहिए दस रात। शमाल हर से है, शमाल हर से है, हम शमाल से नहीं और ये चमाल उससे टकराए और हम शमाल से। की बेटी जा रही है जो संगीत की हीरोइन होगी, जो इस समय बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जिसका नाम रोशनी, इस समय बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है कचौरी गली में। जवानी के आलम में गीत गाने के दिन है, कली के तरह मुस्कुराने के दिन है। हाँ भाइयों, देखिए नेता त्रिलोकी नाथ का पिए जा रहा है सिंगर स्टेट सेक्रेटरी, हंसने हंसाने की चीज कॉमेडी भरा रोल देखेंगे आप लोग। नेता त्रिलोकी नाथ का पिए जा रहा है जिसका नाम है लोटा पानी। मेरा भारत देश महान है 100 में 80% भी आगे। मैं नेता त्रिलोकी नाथ का प्रिय हूं, मेरा नाम है लोटा पानी। मेरे नेता त्रिलोकी नाथ का चुनाव निशान काला कुत्ता। आप लोग काले कुत्ते पर मुहर लगा के हमारे नेता त्रिलोकी नाथ के हाथों को मजबूत कीजिए, नहीं तो आप लोग, मैं जनता से बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग अपनी अपनी पीठ मजबूत कीजिए। हाँ भाइयों, देखिए उसी फुटपुर क्षेत्र में एक थाना सैतानगंज पड़ता है। सैतानगंज के ये सब विक्रम सिंह जा रहे हैं, जो कि ये भी संगीत का साइड खलनायक होगा, घुसखोर दरोगा, अपने थाने में अपनी मौजूदगी में गैर कानूनी काम करवाने वाला दरोगा, घुसखोर दरोगा, हरे पेड़ कटवा डालने वाला, कई शराब के अड्डों को खुलवा रखा है, जिसका नाम है एसओ विक्रम सिंह। का जुर्म की वजह से, कहूं का जुर्म की वजह से पाप किए भी बिछा दूंगा, हवाओं को तो फितरत ही जैसे उधर घूमना, हवाओं को फितरत ही जैसे उधर घूमना, उन्हें तूफान बनाते हैं लोग।
जमीन तलाशते हैं घर बनाने के लिए, लाश हमें घर सिपाही जा रहा है जिसका नाम सिपाही झंडोबा। बिना फायर किए साले तक गई है, कोई बात नहीं है, मारे आपके मारे निकला। हम तो सोचा कोनो सिंह के नाव पड़े, लेकिन बाहर निकला तो झंडोबा, यही कोनो नाव है भैया। सवेरे जौनन गले गए जाप लौटे देखे वह जाता है झंडूबा। लेकिन कोई बात नहीं है, ये डाबर कंपनी की दवा है। मेरा नाम झंडूबाम, झंडूबाम तीन काम, चट लगाओ पट आराम और निहु जाओ आराम। प्यार की गलियों में यार का जाना हुआ सट से, और पेट में ऐठन हुई पैखाना हुआ झट से। ठोकरे मार कर पापड़ को तोड़ दूंगा, और जिस गली में कुत्ता भोंके उस गली को छोड़ दूंगा। हम बड़े बहादुर इंसान हैं, बड़े मजबूत हैं। हमारे ऊपर से न जाने कितने रेल, न जाने कितने ट्रक, न जाने कितने बस, न जाने कितनी कार, न जाने कितनी मारुति, न जाने कितने लड़िया, न जाने कितने घुरगा, न जाने कितनी साइकिल, न जाने कितनी मोटरसाइकिल, न जाने कितने बाटरी वाले रक्षा चली गई। हम जिंदा बच गए। चिंता कैसे बचे झंडोबा? पुलिया के नीचे बैठ के झाड़ी फेर रहे थे। आप लोग जान लीजिए सिपाही बनने से क्या क्या फायदा होता है। हम तो नाटक नौटंकी सिपाही अक्सर करके बनते हैं। सिपाही की नौकरी पाए जाओ, पहुंचो गांव में, जैसे क्योंकि दारू बनत हो बस तुरंत, क्या साले दारू बनाते हो, जनता को बर्बाद कर रहे हो। चल साले तीन टमक अपने सर पे लाद, और थाने साले भी निहवा के बीस लठ मारूंगा। तो जे दारू बनाए जान तो काम है साहेब, छोड़ दिया जाए चाहे 100-200 ले लियो, बस तुरंत 200 खड़ी। आगे जाओ ट्रैफिक ट्रैफिक रोड पे खड़े हो जाओ, और डंडा हिलाते रहो ट्रक वालों को, देखो तुरंत खड़ा करो। क्यों साले ओवर लोड भूसा लाद के लेके जा रहे हो, ट्रक साले पलट जाएगा, नुकसान तुम्हारा बाप भरेगा। चल सारे गाड़ी साइड लगा। तो ट्रक के ड्राइवर कंडक्टर बचिया के उसको बनाए उतरिए। तो कहे साहेब छोड़ दिया जाए चाहे 100-200 ले लियो, बस तुरंत 200 खड़ी। देखो सड़क पर लड़का लड़की आपस में बातें करते जा रहे हैं, क्या साले लौंडियाबाजी करते हो, कोल्ड मैरिज करवाया नहीं करवाया? नहीं साहब कोल्ड मैरिज तो नहीं कराए। क्यों साले बलात्कार में पहले जाओगे तो कौन नुकसान भरेगा? साहेब छोड़ दिया जाए चाहे 100-200 ले लियो, बस तुरंत 200 खड़ी। आई एम सिपाही झंडूबा। हाँ भाइयों, अब आप लोगों को ले चला हूँ चंबल घाटी की तरफ। चंबल घाटी का लुटेरा डाकू मान सिंह, भाइयों ये कोई पेशेवर बदमाश नहीं है। इसकी कहानी सुनिए। ये भी एक फौजी नौजवान है, कभी सीमा पर तैनात हुआ करता था। इसकी एक बहन थी, इसके पिताजी ने इसकी शादी तय कर दिया। बारात आई लेकिन दूल्हे ने इतना दहेज मांगा, इसके पिताजी दहेज पूरा ना कर सके, इसलिए बारात वापस चली गई। भाइयों जरा सोचिए, जिस बहन के हाथों में मेहंदी लगी हो, डोली उठने से पहले बारात वापस चली जाए, उस बहन पर क्या बीतेगी? बहन ने क्या किया, चुपके से कमरे में जाकर अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसके बूढ़े बाप ने उसकी लाश देखा, सदमा बर्दाश्त ना कर सके, उनका हार्ट अटैक हो गया। फौजी नौजवान जिस समय सीमा पर तैनात, खबर सुनवाया, छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचा, अपने पिता और बहन की लाश का अंतिम दाह संस्कार किया, और उसी चिता पर हाथ रखकर कसम खाया, आज से इस दूर दराज इलाके में जो भी शादी होगी बगैर दहेज की होगी, जो भी दहेज लेते पकड़ा जाएगा, ये वादा है हमारी गोलियों से मारा जाएगा। उसी समय उठाया बंदूक, पहुंचा दूल्हे के घर, दूल्हे को गोली से मार दिया,
उसके पिताजी को गोली से मार दिया, सारे परिवार को समाप्त कर दिया। तब से इसने प्राण धार लिया है। इस इलाके में जो भी शादी होगी बगैर दहेज की होगी, दहेज पर था मिटाने के लिए बना है नागोवान सिंह। अपने घोड़े पर सवार होकर बीघर जंगलों में भटक रहा है डाकू मान सिंह। इतने ही कलाकारों से संगीत स्टार्ट की जा रही है। फूल मुछेद के समय सरकार भंग हो गई है, दोबारा चुनाव हो रहा है। चुनाव मैदान में दो प्रत्याशी जवान के सामने दर्शा दिए गए हैं। देखिए मास्टर दीनानाथ जो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के लिए जान की बाजी लगा देने वाला प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहा वोट मांगने के लिए मास्टर दीनानाथ। भाइयों, हमारे बुजुर्ग साथियों तथा हमारी माताओं बहनों, मैं एक गरीब घर का बेटा हूं और आप लोगों से वोट मांगने आया हूं, क्योंकि मैं विधायक पद के लिए टिकट खरीद चुका हूं। मैं वादा करता हूं कि गरीबों की मदद करूंगा। मैं गरीब परिवार का हूं, इसलिए मुझे गरीबी का अनुभव है कि गरीबी क्या चीज होती है। मैं आपके क्षेत्र में वह विकास कार्य करूंगा जिसमें हमारे सभी बेरोजगार भाई काम पा सके। आपके क्षेत्र में व हर गांव में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और राज के नलकूप लगवाने का वादा करता हूं। जो अमीर लोग हमारे गरीब भाइयों को सताएंगे, मैं उनके खिलाफ संघर्ष करूंगा। भाइयों, मैं आपके क्षेत्र में इस व्यवस्था कराऊंगा जिसमें हमारे गरीब भाइयों के बच्चे पढ़ लिख सके और अच्छी शिक्षा पा सके। जितनी हमारी विधवा माताएं हैं व बूढ़े लोग हैं, हम उन सब के लिए पेंशन की व्यवस्था भी कराऊंगा। भाइयों, पिछले वर्ष त्रिलोकीनाथ इसी क्षेत्र से विधायक पद पर जीते थे और अपनी फितरत से मंत्री भी बन गए थे, लेकिन आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े। इस बार फिर चुनाव मैदान में है, लड़ाई अमीर और गरीब की है, फैसला आप सबके हाथ है। भाइयों, मेरा निशान है लाल घोड़ा, लाल घोड़ा पर अपनी कीमती मोहर मारकर मास्टर दीनानाथ को विजयी बनावे। जय हिंद, जय भारत। दीनानाथ संघर्ष करे, प्रशासन बुला लेना चाहिए, क्योंकि जनता बेशुमार है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है। इसलिए पहले मैं सैतानगंज थाना को फोन करता हूँ। वन जीरो
जीरो हेलो 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 कौन हम बोल रहे हैं नेता त्रिलोकीनाथ के पिए लोटा पानी सर नमस्कार 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 क्या बात है एसओ विक्रम सिंह जी हमारे नेता त्रिलोकीनाथ अभी कुल क्षेत्र में कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं अपना पूरा प्रशासन लेकर हमारे मंच के पास आवे और जनता को शांत बनावे तुरंत आइए ठीक है सर तुरंत आइए तुरंत आ रहा हूँ पूरी भोज के साथ आ रहा हूँ एसओ विक्रम सिंह आप अपनी पोजीशन लीजिए और मैं नेता त्रिलोकीनाथ को फूल लगाने जा रहा हूँ जी सर सभी आप प्रशासन से बता दीजिए सतर्क हो जाओ क्योंकि हमारे नेता त्रिलोकीनाथ का इस समय बहुत ही दुश्मनी चल रही है सर हम लोग सतर्क हैं सतर्क है सतर्क हो जाओ अच्छा अच्छा तैनात तैनात हाँ जी जी पोजीशन ले लीजिए छियानबे बाईस बारह छप्पन तिरानबे हेलो 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 नमस्कार नेताजी नमस्कार क्या बात है जी नेताजी मैंने फूल क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान मैंने मंच लगवाया है आप आइए अपने विचारों को सुनाइए नेता जी आपको देखने के लिए जनता बहुत ही व्याकुल है परेशान है ये लोटा पानी तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं समय दिल्ली में हूँ मेरी जरूरी मीटिंग चल रही है इसलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा अरे नहीं नहीं नेताजी अगर आप फूलपुर क्षेत्र में मंच में नहीं आएगी तो जनता आपको क्या कहेगी हमें बेइज्जती करेगी हमारी हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तत्काल आइए अपने निजी साधन से आइए जी जी चलिए जनता को संभालिए मीटिंग खत्म होने में शीघ्र ही आ रहा हूँ ओके नमस्कार पायलट हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया जाए हमें फूलपुर क्षेत्र में अभी तत्काल पहुँचना है विजयी बनाया था लेकिन पांच साल मैं आपके बीच दिखाई नहीं पड़ा ये आपकी मेहरबानी है उसमें भी एक कारण था पिए जी क्या कारण था नेता जी मैं वहां ऊपर सरकार में बैठकर इनके लिए एक कानून बना रहा था कैसा कानून बना रहे थे नेता ताकि हमारी जनता को कोई प्रकार की कमी ना हो मिट्टी का तेल डीजल पेट्रोल चीनी आदि वगैरह वगैरह सब मिलता रहे क्यों नहीं भाइयों भले ही भाव बढ़ गया हो लेकिन कभी कोई सामान कम नहीं हुआ मैं वादा करता हूँ इसी तरह मैं पांच साल आपके बीच आता रहूंगा आपके क्षेत्र में विकास कार्य होगा जो भी पिछड़े कार्य है मैं उन्हें पूर्ण करवाने का वादा करता हूँ भाइयों कोने कोने में बिजली की व्यवस्था करवा दी जाएगी
नाली खंजे का निर्माण करवा दिया जाएगा, कोई प्रकार की कमी नहीं होगी, ये हमारा वादा है। नेता और खास करके घर घर में टेलीफोन की व्यवस्था करवा दी जाएगी, ताकि हमारे भाई घर बैठे अपने नात रिश्तेदारों से बात करते रहे। भाइयों, मैं नेता त्रिलोकीनाथ का पिए, मेरा नाम लोटा पानी, मेरी तरफ से क्या व्यवस्था है, किसके लिए? रणुआ विभाग के लिए। मेरी तरफ से रणुआ विभाग के लिए क्या साधन है? मैं जितने हमारे रणुए भाई हैं सबके लिए एक एक नोकिया सेट मोबाइल फ्री में बटवाऊंगा। क्यों? ये जी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? नोकिया कंपनी रॉन्ग हो गई है। लेकिन ये नोकिया है। आप जियो जियो वाला दीजिए। तो जियो 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 मोबाइल बटवाऊंगा किसके लिए? रणुआ विभाग के लिए, ताकि अपने माल से अलहरी गंगा में बराबर संपर्क करते रहे। भाइयों, मेरे जो गरीब भाई हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? हमारे गरीब भाई खूब देसी सारा बनावे, खूब देसी सारा बनावे, खूब पिए, खूब बेचे, ताकि अमीर लोग भी पीकर बर्बाद होते रहे। भाइयों, मेरा निशान काला कुत्ता है, काले कुत्ते पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा, हरे त्रिलोकीनाथ, तुम वापस जाओ, वोट तुमको नहीं मिलेगा। नेताजी कहो तो इसी जनता पे गोली चला। नहीं, दो चार विकेट गिरे कैसे कहा वोट दिए? शांत रहिए पीएसी, इन्हें बोलने का अधिकार है। नहीं, दो चार विकेट गिरे थे कैसे कहा वोट? शांत रहिए। इसी मोबाइल में हमने बम फिट करवा रखा है। कहो कि यह मोबाइल है जनता के बीच। अरे नहीं प्रेजी, नहीं 150 किए कैसे कहा वोट दिए? शांत रहिए प्रेजी, अरे जनता बौखला जाएगी, चुनाव माहौल गड़बड़ा जाएगा, जनता हमसे बिगड़ जाएगी। शांत रहिए। लोकीनाथ कैसा है, कैसे काला भैंसा है? लोकीनाथ कैसा है, जैसे काला भैंसा है? नेताजी बताओ और सुनाओ, तुम खाली एक महीना यहाँ इलेक्शन में बक्की हो और हम 5 साल बक्का हो, वोट दिए जाबे करियो स्कूल में, बक्को वोट दिए जइयो। और एक देखा नाटन काली है, यही करें कि खांजा के किनारे बैठ पाए, वोट इनके न पहुंची हो, वही के पहले ने तुमका पहले शुरू कर दिया। विधायक साथी पक्का है, लोटा पानी छक्का है, विधायक साथी पक्का है, लोटा पानी छक्का है, विधायक साथी पक्का है और लोटा पानी छक्का है, पक्का पक्का यही कर देख लिए तुम लोग, पक्का जो हम पिलाई करवाए कि तुम हो जानी हो, पक्का कभी कभी में झाड़ू है, लोटा पानी झाड़ू है, कभी कभी में झाड़ू है, लोटा पानी झाड़ू है। यह
गली गली में झाड़ू है, लोटा पानी गाड़ू है। नेताजी मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्या बात होती है जी, पूछो क्यों, मंच लगवाऊंगा, आप भाषण में बिजी रहेंगे, मैं आपके बगल में साइड में खड़ा रहूंगा, जो मेरी उम्र के लौंडे होंगे वो हमें गाड़ू समझकर मुझे लैंड मारना। चुप रहो, शांत खड़े रहो, कुछ नहीं होगा। गली गली में शोर है, लोटा पानी चोर है, गली गली में शोर है, लोटा पानी चोर है। अगर मैं चोरी नहीं करता तो नेता गिरी नहीं करता, मैं मर्डर नहीं करवाता तो विधायक कैसे रहेगा। अरे तुम्हारे हरियर खेती कटवा ले, तुम्हारे खेते में, तुम्हारे खेते में भूंद पैदा करवा ले, तुम्हारे गाय भैंस बकरी खोल के चुराए के पिए ले, बको 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 रहो, यही इलेक्शन में बक लियो, आगे हम तक सुबह 5 साल संघर्ष।